Assalamualaikum guys, मैं और इफ्रा मौजूद है एक नए व्लॉग के साथ अपने चैनल ओ माय इफ्रा वर्ल्ड पे। तो इफ्रा, ये व्लॉग किस चीज़ का? ये व्लॉग बहुत ही स्पेशल है और जो है हम दिखाएंगे इसमें अपना शादी और वलीमे का। ये व्लॉग वो है एल्बम का जिसका हम कई दिनों से बात करते आ रहे थे कि हम एक व्लॉग बनाएंगे एल्बम के ऊपर और इतने बेहतरीन एल्बम बने कि थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं उनसे एल्बम्स को ना। और ये अदनान अली फोटोग्राफर के की फोटोग्राफी है, उन्हीं के एल्बम है जो कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पर पेज भी टैग है। अभी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे हम टैग कर देंगे, इवन थंबनेल पे भी आपको नजर आ जाएगा। तो बात कर लेते हैं, बहुत प्यारे बने हैं और हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं उसको दिखाने के लिए, तो वीडियो की तरफ चलते हैं। बहुत किस्म के एल्बम से बहुत किस्म के डिजाइन है, तो अब बात कर लेते हैं एल्बम की, वीडियो शॉट करते हैं और स्टार्ट करते हैं। पहला एल्बम हमारे हाथ में, तीन एल्बम अदनान ने बना के दिए और आखिर में दिखाएंगे एक एल्बम है जो की सरप्राइजिंग एल्बम है। वो गिफ्ट भी अदनान, हाँ वो गिफ्ट भी हमारे फोटोग्राफर की तरफ से, तो मतलब इन चीज गिफ्ट से मतलब है, गिफ्ट से मतलब है इन चीजों के पैसे दिए हमने और उसका पैसे नहीं दिए। हाँ, ये मतलब है। अच्छा, ये एल्बम का बॉक्स है जो कि एक ब्रीफ केस टाइप का लुक दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से रख के खोलते हैं। हाँ भाई, इसके अंदर क्या इनाम होगा? डब्बा चेंज करना है, डब्बे मौजूद है, सच में डब्बा मौजूद है। डब्बा चेंज करना चाहेंगे, सोच ले इफ्रा, वही कर ले। इसके अंदर शादी है, वलीमा है, इसके अंदर गोल्ड है, उसके अंदर गेस करें, गेस करें, गेस करें, आई गेस। अच्छा, एक में हमारी फैमिलीज की पिक्चर्स है और एक में ना सिर्फ मेरी और अली की है ना। डिस्क्रिप्शन बताए थे एक एल्बम जो है वो आई गेस, चलो देखते हैं फैमिली का कौन सा है। आई गेस ये फैमिली है, कपल का। कैमरामैन हमारा बोले, कैमरामैन हमारा है, हमारी फीमेल नहीं, हां ये फैमिली है। चलो चलो चलो, खैर अब ये वाला ब्रीफ केस खोलते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या निकलता है। और ये फैमिली, ये कपल एल्बम है, नहीं नहीं ये फैमिली एल्बम है, या मैं देख लेता हूँ, मुझे ये देख के। ओ, ये कपल एल्बम है, कपल एल्बम है ये, जो कपल एल्बम है एक तरीके से। इसका जो इन्होंने मेन पेज यानी इसको क्या कहेंगे फ्रंट का कवर जो सेलेक्ट किया है, उसमें उन्होंने हमारे वलीमे के आउटडोर पिक्चर लगाई है। कपल शो में वीडियो को शॉट करते हैं और स्टार्ट करते हैं एल्बम। सबसे पहला हमारा इवेंट था निकाह का, तो ये उसकी पिक्चर सबसे पहले आई है। डिस्क्राइब करती जाएगी अब आपको जी, ये मेरी मेहंदी है और बहुत जबरदस्त। और ये कौन सी रस्म होती है, इसको कुछ रस्म के नाम भी होता है, शीशा दिखाने वाली, वो ये रस्म की पिक्चर है जो कि बहुत अच्छा सिलेक्शन, बहुत अच्छी की है पिक्चर्स की। ये पिक्चर बहुत मुझे अच्छी लगी है ना, क्लासी लगी है पिक्चर, बहुत प्यारी पिक्चर है। आप देख सकते हैं बेहतरीन क्या कहते हैं पिक्चर्स हैं और क्वालिटी बहुत जबरदस्त है। बारिश का मौसम तो एग्जैक्टली इतनी तेज बारिश हो रही थी। हाँ। और ये मेरा अकेले ज्यादा शूट में ना अकेले हुआ क्योंकि अली जो है बहुत क्लाउड्स हैं, बहुत लेट आए थे। हां, 7 अगस्त 2020 और ये वाली पिक्चर मेरी बहुत अच्छी आई। ये वाली पिक्चर मेरी बहुत अच्छी आई, ये अच्छी आई है, शॉट बहुत प्यारा है, ये बहुत प्यारा, ये हम दोनों की बहुत अच्छी आई है। हां, ये तो मैंने बाद में पोस्ट भी की हुई है। मेरी फेवरेट जो है ना फोटोग्राफी इसकी इसी दिन की हुई है। अच्छा, ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि हम दोनों सबसे अच्छे जो है ना, खासतौर पर इफ्रा सबसे अच्छे जो है वो निकाह वाले दिन ही, निकाह के ड्रेस में ही लगे। मेरी लेंस के साथ एक सीन होता है। हाँ, ये लेंस जो है एक इफ्रा लगा के सो गई थी। नहीं, सो ही नहीं थी, सो गई, खो गए थे खो गए, मेरी आईज से गायब हो गए, आईज से गायब हो गए। फिर हमने डॉक्टर को भी दिखाया स्पेशलिस्ट को, भाई अंदर तो नहीं रह गया, लेकिन वाले दिन नहीं, मैंने बाद में लगाए थे तो ये वाले लेंसेज खो चुके हैं। अच्छा जी, अब आ गया हमारा मेहंदी का इवेंट, तो ये उस दिन थी 13 अगस्त को थी, यानी 12 बज गए थे, 14 अगस्त लग गए, तो इस वजह से हमें फायरवर्क्स मिल गए। एग्जैक्टली, फ्री फायरवर्क्स मिले। और इफ्रा के घर पे हुई थी, लॉकडाउन लगा ये हुआ था, बहुत प्यारी है। हाँ, इफ्रा के लॉकडाउन लगा हुआ था और हाँ, लॉकडाउन था, मैं शादी में तो सारी मेमोरेबल मोमेंट है आपकी जिंदगी में, हमेशा यादगार रहते हैं ये। और एल्बम की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, ड्रेस बहुत प्यारा था, क्या पड़ेगा। ये आ गया हमारा शादी का इवेंट और मैंने यहाँ पे क्या लिखवाया, इफ्रा की शादी, क्योंकि अली नहीं लिखवा सकती थी, इनका नाम इतना बड़ा है, तो मैंने लिखवाई। और इस पीने में बहुत हंसी हुई, इन्होंने हाथ कैसे पकड़ा हुआ है, इतने गुस्से से पकड़ा हुआ है, बिल्कुल दबा, फिंगर से पकड़ते हैं, नई शादी करने वाले को बता दूं फिंगर से पकड़े हाथ। हाँ, ये बता, और ये स्माइली फेस, मुस्कुराता हुआ चेहरा, ये घर आ गए थे तब की है। और ये जो बलून्स निकले हैं अभी तक क्या कहते हैं फोर्सलिंग पे से निशान मौजूद है, निशान है ना, निशान मौजूद है, बहुत टाइम में निकले थे। ये पिक्चर भी, ये रैंडम पिक्चर, ये कितनी अच्छी है, शॉट बहुत प्यारा है।
बहुत प्यारा शॉट है। हाँ ये भी बहुत प्यारी है। मैं कितनी स्लिम थी इस टाइम मुझे अपनी याद आ रही है। रुक जाए, ये पिक्चर भी बहुत प्यारी है। वेन्यू बहुत प्यारा था, लग्जरी वेन्यू था, इस पिक्चर बहुत के टाइम है। ये वलीमा वलीमा स्टार्ट हो गया है, और वलीमा की पिक्चर भी वलीमा स्टार्ट हो गया है, और ये डायरेक्ट हॉल से आप पिक्चर्स देख सकते हैं। पिक्चर कितनी प्यारी है, बिल्कुल सिलेक्शन बहुत अच्छी है, इसमें अच्छी पिक्चर ली है, और ये हमने सिलेक्ट नहीं की थी, इन्होंने खुद ही ली है। ये कपल पिक्चर उन्होंने खुद सिलेक्ट की थी, फोटोग्राफर ने हमारे खुद सिलेक्ट की थी, और हमने जस्ट फैमिली एल्बम जो उसकी सिलेक्ट करके दी थी। और ये फाइनली एल्बम जो है, कपल एल्बम जो है हुआ कंप्लीट, जिसको हमने आपको दिखाया। बात कर लेते हैं फैमिली एल्बम की, जिसका कवर इन्होंने लगाया है मेरे निकाह की पिक्चर का और मेहंदी की पिक्चर का, फिर अली वेडिंग डे। और ये फैमिली एल्बम है, फैमिली एल्बम निकाह शादी, निकाह मेहंदी शादी वाली का। ये निकाह का टाइम है, ये मेरा निकाह हो रहा है, अली का निकाह हुआ था मस्जिद में, तो अली की पिक्चर्स नहीं है। हाँ पिक्चर्स नहीं है। ये मेरी अम्मी है, मेरी बहन है, और ये फ्राय। हाँ ये तो मैं हूँ, और ये फ्राय की कजन है, ये मेरी कजन है, और ये अली की दुल्हन लिखा हुआ है। ओके जी, ये मेरी बहन बहन हुई, बाकी सब सारे फैमिली मेंबर्स हैं। ये पिक्चर मुझे बहुत अच्छी लगी, हमारा कपल, ये लोग का कपल, ठीक है। ये मेरे पापा है, ये फ्रेंड की फैमिली है कंप्लीट। हाँ ये मेरी फैमिली है। ये पिक्चर देखना, ये केक खा कैसे रहा मैं देख के रही हूँ। ये ये आपकी फैमिली, अली की फैमिली है सारी ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें मेरे दोस्त भी शामिल है। हाँ ये इन लोग की फैमिली है। अभी आगे इवेंट फैमिली, ये रस्म के टाइम की पिक्चर है, ये इतने कंफ्यूज हैं। आगे बढ़ते हैं, मेहंदी डे चल रहा है, और अब हम आ गए शादी डे के दिन पे, फैमिली पिक्चर, शादी की फैमिली पिक्चर। ये है इफ्रा की कंप्लीट फैमिली, एक तरह से देखा जाए इफ्रा के फादर, इफ्रा की मदर, इफ्रा की सिस्टर, इफ्रा की। अच्छा आप शादी वाले दिन भी लेट आए थे। ये लोग ये लेट आए हर जगह, निकाह वाले दिन भी लेट आए, शादी वाले दिन भी लेट आए। ये अली की फैमिली है, ये अली की फैमिली है। चलो मेरे कजन्स वगैरह हैं आगे आगे, और ये दूध पिलाई की रस्म की पिक्चर। ये मेरे मम्मी पापा, कितनी प्यारी पिक्चर है, ये साइड किसने पूरा मम्मी पापा को दे दिया, ये मम्मी पापा के नाम कर दिया। कॉलम जो है ना, और ये फैमिली पिक्चर्स हैं, जो के फैमिली पिक्चर का फाइनल एल्बम भी कंप्लीट हुआ। तो अब आ जाते सरप्राइजिंग एल्बम की तरफ, जिसकी मैं कब से बात कर रही थी, और ये मेरा और अली दोनों का सबका फेवरेट एल्बम है, बहुत खूबसूरत एल्बम है, और ये है हमारे आउटडोर शूट का बेसिकली, जो हमारा हुआ था वली में वाला दिन। बिल्कुल मुझे सबसे बेस्ट ये एल्बम लगा, इसमें हैंडी है और बुक टाइप एल्बम है, हैंडी एल्बम है, बुक टाइप, और आप कहीं भी ले जाओ, क्लासी बनाया एल्बम ये वाला, आउटडोर शूट की पिक्चर्स इसमें लेकिन बहुत क्लासी। चले आ जाए, हम आपको अंदर दिखाते हैं इसमें कैसे, इतनी प्यारी पिक्चर्स आएंगी, और इसकी तो लुक ही अलग है। पता नहीं आपको कैमरे में सही नजर आ रहा नहीं आ रहा, लाइट का शेड पड़ा, लेकिन इसका तो बिल्कुल ही अलग। अच्छा शुक्र इस टाइम गर्मी नहीं थी। हाँ इस टाइम गर्मी नहीं थी, दिसंबर का दिन था, वलीमा थोड़ा लेट हुआ था, आउटडोर शूट था, 19 दिसंबर हमारा लेट हुआ था, तो ये दिसंबर में था। ये देखें, ये लुक देखें, होता तो अभी हम पिघल गए, ये लुक देखें, आप ये लुक देखें, क्लास हां ये कवर, अच्छा ये कवर पे भी ये पिक्चर सेलेक्ट की, क्योंकि जो सब बैकग्राउंड है ना उससे उठा दिए इसको, बहुत प्यारा, और कपल तो फिर है ही। ये यार मैं क्या लग रही हूँ, ये बहुत जबरदस्त गिफ्ट है एल्बम के अंदर से, बहुत प्यारा।
थैंक यू सो मच अदनान तुम्हारी तरफ से गिफ्ट जो हमें रिसीव हुआ है। अच्छा ये पिक्चर में देखना मैं कितनी क्यूट लग रही हूं। ये देखिए शैतानी स्माइल। हां शैतानी स्माइल लग रही है। पता नहीं मैं क्यों ऐसे ऐसे और यकीन मानिए ये सारे पोजेस जो है ना कैमरामैन हमसे खुद करवा रहा था वहां पर। तो आप और हम लोग असल में साथ बहुत रिलैक्स थे और बहुत फ्रेंडली कैमरामैन थे। आप लोग भी अगर चाहें अपने दिन को यादगार बनाने के लिए और इतनी खूबसूरत पिक्चर्स लेने के लिए तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंडली होना बहुत बहुत जरूरी है। और अच्छा क्योंकि इस टाइम बंदा वैसे ही घबराया हुआ होता है, लोग शर्मा रहे होते हैं। खैर हम तो इतना शर्मा भी नहीं रहते, खासतौर पर जो शर्मा रहे होते हैं उनकी पिक्चर्स थोड़ी सी खराब हो जाती है। तो ऐसा कैमरामैन ये तो बिल्कुल रैंडम पिक्चर है, ये रैंडम पिक्चर है चलते हुए की रैंडम क्लिक्स अलग से लिए थे। और ये फ्री पिक्चर बहुत क्लासी है, धूप की थी थोड़ी अच्छी एडिट हुई है। और जी होता है एल्बम खत्म, एल्बम खत्म। और ये यादगार एल्बम है, सिर्फ इसमें हमें और इफ्रा मौजूद है कपल एल्बम में एक तरीके से, ये भी है और नान की तरफ से एक गिफ्ट है। तो आप भी अगर चाहते हैं तो कांटेक्ट करें, देखें फेसबुक पेज भी दिया हुआ है, इंस्टाग्राम आईडी भी है, टेलीफोन नंबर भी यहाँ पर मौजूद है, क्लियरली देख सकते हैं ऑर्डर करने के लिए। तो बताइएगा ये वीडियो कैसे लगा, ये ब्लॉग कैसा लगा। जब से ये एल्बम आया ना मैं कोई 10-15 दफा देख चुकी हूं। हां इफ्रा काफी दफा देख चुकी है। ये बहुत प्यारी चीज है, बेस्ट बहुत जबरदस्त चीज है, डिफरेंट सी चीज है। और वाकई में अदनान ने बोला था कि एक गिफ्ट मैं आपको दे रहा हूं एल्बम का, तो उसको आपको अब मैं समझा कि ऐसी होगा क्योंकि वाकई में एक क्लास ही एल्बम है। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच अदनान। और कैसा लगा आपको ब्लॉग बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए जा दीजिए, अल्लाह हाफिज़।